नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। क्या 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों को हैक किया गया था? ये सवाल फिर से उठा है। लंदन में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। अगर वो सही हैं तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कई पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों का मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर सिर्फ हैकिंग की बात नहीं हुई है, कुछ हत्याओं का भी जिक्र हुआ है। अमेरिका में राजनीतिक शरण लिए एक भारतीय हैकर ने दावा किया कि भारत में 2014 के आम चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली हुई है। उसका दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उसने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि वो 2014 में भारत से पलायन कर गया था क्योंकि अपनी टीम के कुछ सदस्यों के मारे जाने के बाद वो डर गया था। इस शख्स की पहचान सैयद सूजा के तौर पर हुई है। उसने ये भी दावा किया, बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी टीम ने ट्रांसमिशन हैक करने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। हैकर सूजा ने यह भी दावा किया कि टेलीकॉम क्षेत्र की बड़ी कंपनी जियो ने कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पाने में बीजेपी की मदद की थी ताकि ईवीएम को हैक किया जा सके। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी को लेकर भी मीडिया और सत्ता पक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि ये सब आयोजन कांग्रेस प्रायोजित लग रहा है। उन्होंने दावा किया कि हैकर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उनका कोई सबूत भी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी 2019 चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि लंदन में एक इवेंट में दावा किया जा रहा है कि ईसीआई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों में छेड़छाड़ की जा सकती है। ईसीआई इस मामले में कोई पार्टी नहीं बनाना चाहती है, ये प्रायोजित चुनौती है और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने दावे पर कायम है कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। बहरहाल लंदन में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए हैकर सैयद सूजा ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिन्हें सामान्य तौर पर विश्वास कर पाना कठिन है। हैकर सैयद सूजा का दावा है कि 2014 का चुनाव ईवीएम को हैक कर बीजेपी ने जीता। सूजा का दावा है कि बीजेपी लगातार ईवीएम को हैक कराती रही है। अगर कुछ चुनाव वो हारी है तो वो इसलिए कि ईवीएम को हैक करने की कोशिशों को सूजा की टीम ने विफल कर दिया था। उसने गोपीनाथ मुंडे की मौत और एनआईए अधिकारी तंजिल अहमद गौरी लंकेश की हत्या को भी ईवीएम हैकिंग से जोड़ा है। इसके अलावा उसने अपने और अपनी टीम के बारे में भी कुछ तथ्य रखे हैं जिनकी जांच संभव है और की जा सकती है। अगर सूजा के अपने बारे में किए गए दावों में सच्चाई है तभी उनके ईवीएम हैक करने के बारे में किए गए दावों को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे उनके दावे किस तरह हैं वो हम आपको बता देते हैं। सूजा का दावा है कि 2014 के चुनाव के बाद हैदराबाद में उसके 12 साथियों की हत्या कर दी गई थी और इन हत्याओं को मुस्लिम सिख दंगों की शक्ल दी गई थी। ये सच है कि मई 2014 हैदराबाद में मुस्लिम सिख दंगा हुआ था जिसमें कुछ मौतें हुई थी। सूजा अपने जिन साथियों की मौत के बारे में बता रहा है उन नामों व्यक्तियों की खोजबीन की जा सकती है, वो संभव है। दूसरा पॉइंट क्या है, सूजा का दावा है कि वो किसी तरह जान बचाकर अमेरिका चला गया था और उसने वहां राजनीतिक शरण ली थी। इस दावे की सच्चाई का पता करना मुश्किल नहीं है। खुद सूजा का दावा है कि राजनीतिक शरण के दस्तावेज भी उसके पास मौजूद है, यानी वो भी मदद इस तथ्य को खंगालने में कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सूजा का दावा है कि वो 2009 से 2014 तक ECIL यानी ईवीएम बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में काम करता था और चुनाव आयोग के साथ ईवीएम के प्रोजेक्ट में शामिल था। जिसने 5 साल किसी कंपनी में काम किया हो उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए, यानी इस दावे को भी खंगाला जा सकता है। चौथा पॉइंट, सूजा ने दावा किया कि एक मशहूर टीवी पत्रकार ने अमेरिका में उससे मुलाकात करके ईवीएम हैकिंग का खुलासा करने का वादा किया था। सूजा के शब्दों में कहें तो ये मशहूर पत्रकार रोज रात में चिल्लाता है, किसी के भी विदेश आने जाने और मुलाकात की जानकारी सामने आ सकती है, ये भी मुमकिन है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। खुद सूजा भी इन सबूतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उनसे मिलने कौन आया था। उनके बाकी दावों पर तभी बात होनी चाहिए जब उनके अपने बारे में दी गई जानकारी में कुछ सच्चाई मिलती है। क्या इन दावों की जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? क्या इन सारे सवालों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जिसमें कुछ लोगों की हत्याओं का ही जिक्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र की हत्या होने का भी सवाल है?
बिना जांच किए ही इन दावों को झुठला देना कितना सही होगा, और ऐसा नहीं है कि सूजा के बताए हुए दावों की जांच नहीं की जा सकती, हो सकती है, पर अब देखना होगा कि इन गंभीर खुलासों के बाद चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है और ईवीएम से जुड़ी हत्याओं के आरोपों पर किस तरह की जांच या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे एनआईएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर, जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।